कोई पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि हमको एक बार मौका दो, हम जो है भिवंडी के अंदर विकास ला के देंगे। तो आपका किस तरह से विकास आएगा थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि हर कोई ये दावा कर रहा है ना, तो आप इसके अंदर किस तरह से खड़े उतरेंगे थोड़ा सा बताइए। उस विकास के मुद्दे पे लेके आप देखिए कि भिवंडी का विकास अगर नहीं होता है बहुजन विकास आघाड़ी आने के बाद, तो वो पूरी जिम्मेदारी अपनी है कि वो विकास कैसे कराना है वो मुझे मालूम है। यहाँ का विकास देख के, ये विकास हो नहीं रहा यहाँ का। पब्लिक का जो रुझान है कि बहुजन विकास आघाड़ी को एक बार लाते हैं भिवंडी में महानगर पालिका में, विकास वसई विरार जैसा भिवंडी शहर भी मनाएंगे। कि ताकत हमको अपनी अजमानी है भिवंडी के अंदर, और पब्लिक की ताकत इतनी अच्छी है बहुजन विकास आघाड़ी की ओर कि ये जनता का विश्वास है कि अब की बार आने वाली बहुजन विकास आघाड़ी महानगर पालिका में बैठाएंगे तो भिवंडी शहर का विकास होगा। अब भाई नहीं अगर किए तो अगली बार नहीं बैठाएंगे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल भिवंडी के अंदर चुनाव का माहौल गर्माया हुआ है, हर पार्टी जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, हर पार्टी जो है अपने प्लान ऑफ एक्शन ला रही है सामने कि हम किस तरह से क्या करेंगे आने वाले चुनाव के लिए, हम पब्लिक के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या हमारे मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है हम देखते आए कि आए दिन हर पार्टी जो है आपके सामने आती, पब्लिक के सामने आ रही है। तो आज हमारे साथ में भी एक और ऐसी पार्टी जो कि हम कहेंगे कि वेस्टर्न पट्टे में, जैसे कि वसई विरार पालघर इस एरिया में काफ़ी मजबूत पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, वो यहाँ पर भी भिवंडी के अंदर इस बार अपने चुनाव के अंदर अपना क्या कहेंगे एक सिक्का जमाने जा रही है। तो भिवंडी के जिला अध्यक्ष बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे साथ में है फहीम आजमी साहब। तो फहीम आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी जो है, तो ये भिवंडी के अंदर किस तरह से जो है अपने कैंडिडेट उतारेगी, और उसके पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह का जो है आप लोग काम करेंगे या किस मुद्दे पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिरोज भाई, जैसे कि आप लोग जो बातें रहती हैं जो पब्लिक तक आप पहुँचाते हैं जी, तो पब्लिक आज भिवंडी की इतनी होशियार हो चुकी है कि इससे पहले जो भी नगर पालिका का चुनाव हुआ, इससे पहले उन्होंने अलता पलता लोगों को मतलब चुनाव जिता के दे दिया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी मुद्दे पर लड़ती है। अच्छा, मुद्दा ऐसा होता है कि पब्लिक का विकास, और जब पब्लिक का विकास होगा तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक खुद वो नगर सेवक चुन के महानगर पालिका में बैठाए गए। तो हमारी जो पहला टारगेट है बहुजन विकास आघाड़ी का भिवंडी के अंदर, वो सिर्फ विकास के लोग उतर रही है। जैसे कि हमारे पालघर जिले में राष्ट्रीय लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर साहब, उन्होंने पालघर जिले के अंदर जैसा विकास किया है, भिवंडी से पिछड़ा हुआ एरिया था वो, एक जंगल एरिया था, लेकिन आज ऐसा देख लो कि भिवंडी जंगल हो गया है लेकिन वो मजबूत कांच जैसा दिखने लगा है। तो वैसा ही हमारी सोच है भिवंडी के लिए, और जनता से अपील भी है कि आप अब की बार ऐसे लोगों को, युवाओं को बैठाओ महानगर पालिका के अंदर कि जो विकास करें। और विकास तो मैं देख रहा हूँ, जैसे कोई भी वार्ड नंबर से लेके शहर तक के मैं देख रहा हूँ, रोड की खस्ता हालात है, इतने बुरे वार्ड इतने खराब हो चुके हैं कि आदमी बोलने भी ये हो रहा है, लेकिन उसको सही करने के लिए सिर्फ मैं एक ही पार्टी है, वो है बहुजन विकास आघाड़ी जी। इस पार्टी का आप किस तरह से दावा कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी जब भी जो पार्टी आती है वोट मांगने के लिए तो वो कहती है कि हम विकास लाएंगे, जैसे कि अभी फिलहाल हर कोई पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि हमको एक बार मौका दो, हम जो है भिवंडी के अंदर विकास ला के देंगे। तो आपका किस तरह से विकास आएगा थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि हर कोई ये दावा कर रहा है ना, तो आप इसके अंदर किस तरह से खड़े उतरेंगे थोड़ा सा बताइए। देखिए, हर पार्टी दावा कर रही है और लड़ी भी है, लड़ने के बाद जीत के क्या करी, नहीं करी ना। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, एक बार ये पार्टी को आप देखिए बहुजन विकास आघाड़ी, विकास को लेके, विकास जो विकास करना है उस विकास के मुद्दे पे लेके आप देखिए कि भिवंडी का विकास अगर नहीं होता है बहुजन विकास आघाड़ी आने के बाद, तो वो पूरी जिम्मेदारी अपनी है कि वो विकास कैसे कराना है वो मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बात बताइए कि जब आप चुनाव में उतरोगे तो आप कितनी सीट के साथ में उतरोगे, मतलब कितनी सीट जो है आप लड़ोगे उस चुनाव में।
इस बात पे मैंने हमारे राष्ट्रीय लोक नेता आमदार साहब से और हमारे जो संपर्क प्रमुख है उनसे विचार चल रही है। हमारी तो ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई जाए सीट, क्योंकि यहाँ पे विकास हो नहीं रहा है। लोग जो नगर सेवक हैं उनसे लोग कंटाल गए हैं, तो अब तो है वो तो पूरा शहर कंटाल। हाँ, तो इसलिए जो है अब की बार वो लोग नई सोच पब्लिक की है कि बहुजन विकास अघाड़ी बैठाई जाए। तो मेरी ये सोच है कि जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता भिवंडी के अंदर हैं और नहीं भी जो हैं उनको भी हम सीट देंगे, लेकिन विकास होना चाहिए। ये पार्टी के बैनर के तले विकास होगा। जी, मैं आपसे थोड़ा सा खाली फिगर में चाहूँगा, नंबर में कि एक टेंटेटिव नंबर, मतलब ठीक है वो ऐसा नहीं कि अभी आपने बोल दिया तो इतना ही, लेकिन 4, 5, 8, 15, 50, 25 कितना एक थोड़ा सा आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरा टारगेट है 45 सीट का। अच्छा, 45 सीट, 45 सीट का टारगेट है। अब 45 सीट पर निश्चित है कि अपनी 10 से 15 सीट जी जो कन्फर्म है कि वो आने वाली है, और जो बाकी की सीटें हैं उस पर मेहनत कर देंगे तो आ जाएगी। ऐसा है क्या? मतलब आप इतना श्योर बोल रहे हो कि 10 से 15 सीट आपकी आ सकती है? हाँ, 10 से 15 सीट आ सकती है जो अभी रनिंग, मतलब आ सकती है। बाकी की जो सीटें बची 45 में, उस पर हम लोग एकदम जोरदार मेहनत किए तो इंशाल्लाह ताला 45 के 45 पूरी आएगी। तो फहीम भाई, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको? यहाँ का विकास देख के, ये विकास हो नहीं रहा यहाँ का। पब्लिक का जो रुझान है कि बहुजन विकास अघाड़ी को एक बार लाते हैं भिवंडी में महानगर पालिका में, विकास वसई विरार जैसा भिवंडी शहर भी मनाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि 15 सीट तो कम से कम आ ही जाएगी? जरूर, क्योंकि यहाँ के पब्लिक का सपोर्ट है हमको। अच्छा, यहाँ का पब्लिक का जो सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक से ही नेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर पब्लिक जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि अभी फिलहाल आपके कितने कार्यकर्ता एक्टिव है भिवंडी के अंदर? भिवंडी के अंदर हमारे पश्चिम विधानसभा में 23 वार्ड अध्यक्ष हैं, पूरब विधानसभा में 26 वार्ड अध्यक्ष हैं। अब पूरे शहर की बॉडी कंप्लीट है, महिला बॉडी कंप्लीट है, युवा बॉडी कंप्लीट है, मतलब कि इतने कार्यकर्ता हैं कि बोलने की जरूरत नहीं, वो कभी भी कहीं भी मतलब ढाबा बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अगर गलत अन्याय हो रहा है तो वहाँ खड़े होकर आंदोलन खुलेआम कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो अभी चुनाव नजदीक तो अन्याय नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आता है तो हर कोई जो है अपने आप को संत साबित करता है, संत बताता है, तो इसके लिए अभी तो फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि क्या आपकी पार्टी जो है आने वाली सभी पार्टियों को क्या आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों को एक थ्रेट है, क्या एक चैलेंज दे रही है? सभी पार्टियों को दे रही है, जो पार्टी चाहे वो कोई भी पार्टी के जीते हों, नगर सेवक हों, अगर वो काम नहीं किए हैं तो उनको पार्टी उनको रास्ता दिखा देगी अब की बार, क्योंकि उनके पीछे अब की बहुजन विकास अघाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा। क्योंकि एक विकास की पार्टी है और विकास होके ही भिवंडी में रहेगा। अच्छा। इसीलिए सब पार्टियों को चैलेंज करता हूं, जो भी पार्टी के लोग नगर सेवक जीते थे, जो काम नहीं किए हैं, पब्लिक देखो उनको अब की बार नगर पालिका में आने नहीं देगी। पब्लिक अब की बार एकदम 100% बोली है कि काम एक भी नहीं हुआ है मुद्दे पे, जो मुद्दे पे वादा करते हैं आते हैं चले जाते हैं लेकिन काम होता नहीं है। भाई आपकी उम्र मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप काफ़ी यंग है, और इसमें मतलब आपको क्या दिक्कतें आ सकती है? क्योंकि ना लोग अनुभवी लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सपीरियंस्ड के। हाँ ठीक है, अभी तो ये कैसा जुमा जुमा हड्डी ने बोले मुर्गी से निकला हुआ चूजा, इस तरह से लोग बातें करते हैं, है ना, कि नया है इनको क्या समझता है पॉलिटिक्स, तो ये सारी दिक्कतें भी आपको आ सकती है, तो क्या आप उसके लिए भी प्रिपेयर है क्या? थोड़ा देखिए, हाथी कितनी भी बड़ी हो, अगर सूढ़ में चूटी चली जाती तो हाथी तो उनका लाश ही हो जाता है। तो ये ना समझे कोई कि ये अभी चूजे से निकले हुए हैं या उनका, मैं आए वक्त पर उनका जवाब दूंगा कि मैं उनसे कई बड़ा हूँ। अच्छा, कई बड़ा हूँ, वो सियासत की कलम हमको भी मालूम है। हाँ, लेकिन हाँ। अभी नहीं बोल सकता, अभी बोल के मतलब क्या है, सब बोलेंगे कि लग रहा चुनाव आया इसलिए बोल रहा है, जब मौका आएगा तो देख लेंगे फेस टू फेस। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर कि जैसे कि हमारे विकास की बात हो गई, अब ये बताइए कि अगर कोई मौका मिले तो क्या आप किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी तो समझो कि अभी शुरुआती है भिवंडी के अंदर, ठीक है, नई पार्टी है, तो नई पार्टी को अक्सर पैनल सिस्टम में जो ज़रूरत पड़ती है गठबंधन की, तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी किसी और के साथ में गठबंधन करेगी? देखिए, अभी हमारी पार्टी जो है बहुजन विकास अघाड़ी हमारे राष्ट्रीय लोक नेता आमदार जितेंद्र ठाकुर साहब के नेतृत्व में भिवंडी में चल रही है, और ये महाविकास अघाड़ी सरकार में गठबंधन में है। तो इसलिए बोल देना चाहता हूँ कि मैं जो है इस बात की चर्चा हमारे लोक नेता साहब से बात करेंगे कि हमको गठबंधन करना है कि नहीं करना है, इस बात पे मुद्दे पे मैं आपको नेक्स्ट बार जब बुलाऊंगा तो उसमें आपको मैं खुलासा करूंगा। अच्छा। कि हमारा गठबंधन होगा या हमारी सीट सिंगल लड़ेगी वो हम बताएंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी सिंगल लड़ने की। अच्छा। क्योंकि तभी ताकत मालूम पड़ेगी कौन कितने पानी में है।
अच्छा, मतलब आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका मिल जाए, हाँ, फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है। ये बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाहता हूँ कि ताकत हमको अपनी अजमानी है भिवंडी के अंदर, और पब्लिक की ताकत इतनी अच्छी है बहुजन विकास अघाड़ी की ओर कि जनता का विश्वास है कि अब की बार आने वाली बहुजन विकास अघाड़ी महानगर पालिका में बैठाएंगे तो भिवंडी शहर का विकास होगा। अब भाई नहीं अगर किए तो अगली बार नहीं बैठाएंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर नहीं, एक सोरठ खेल ले भिवंडी की जनता, एक सोरठ खेल ले आपके, आपको लाके कि अगर लेके आओ, अगर जीत गए तो ठीक है हम लोग विकास कर देंगे, अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, चलो अगली बार दूसरे को दिला देना। आप ये, हाँ, ये कन्फर्मेशन है। लेकिन ये भी बोल देना चाहता हूँ मैं कि वो नक्की है, वो जिताएंगे और काम भी मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, अभी तो आप सोरठ की बात कर रहे थे, तो अगर नहीं निकला तो भी जनता का 5 साल उल्लू कड़ी आएगा ना। नहीं समझे, नहीं जैसे मैं उनको विश्वास, एक विश्वास है मुझे, हाँ, कि हमारी सीट आएगी तो मैं उनका विकास करूंगा। मैं अध्यक्ष ये नहीं देखूंगा, उस वार्ड में खड़े होके हमारे नगर सेवक को लेके वो काम उस वार्ड का समाधान करूंगा। एक आखिरी बात, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आपकी पार्टी आती है, ठीक है, जीत जाती, चलो ठीक है, पब्लिक की जनता आपसे प्रभावित हो गई, आपकी पार्टी से प्रभावित हो गई और आपको जिता के दे दिया भिवंडी के अंदर, तो जीतने के बाद में आपका महापौर का चेहरा कौन रहेगा? कि आप भी जो है, जैसे कि जिस भिवंडी के अंदर चल रहा है किसी और के साथ में जो है गठबंधन करके जो है महापौर बिठाओगे, या आप अपनी पार्टी का महापौर बिठाओगे? अगर अपनी पार्टी का महापौर बिठाओगे तो वो चेहरा कौन सा होगा? देखिए, जो हमारी पार्टी में महापौर का जो चेहरा होगा, अगर जैसे गठबंधन में है तो उसके लिए तो हमारे ऊपर की टीम, वरिष्ठ लोग बात करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का अगर चेहरा कोई बनेगा तो भिवंडी में एक नया ही बनेगा। और वो अगर महापौर बनते हैं तो मैं बोलता हूँ कि 30 से 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 30 से 40 साल का, जो भी जब से महानगर पालिका यहाँ पर बनी हुई है भिवंडी के अंदर, जब से अगर महापौर अपना बना बहुजन विकास अघाड़ी का बैठते हैं, हाँ, तो ये समझ के चलिए कि जो पुराना रिकॉर्ड है वो खत्म कर देंगे और एक नया मिसाल भिवंडी में कायम करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये मेरा खास महापौर पूछने का सवाल यही था, क्योंकि पब्लिक एक चेहरा देखती है, जैसे कि हमने देखा 2014 में मोदी की एक लहर थी कि मोदी का चेहरा सामने गया था कि नहीं इनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसके पीछे भी खासदार कोई भी हो हम वोट मोदी को कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से एक लीडरशिप उभर के आती है अगर आप महापौर का चेहरा डिक्लेयर करते हो कि नहीं ये हमारा महापौर होगा, तो एक लीडरशिप जो है वो उभर के आती है, शहर वालों को भी समझ में आता है कि ठीक है सामने कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन हमको जो है इनको महापौर बनाना है। ये मेरा पूछने का खास मकसद था। तो इसमें थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपने अभी तक ऐसा कोई चेहरा चुना है क्या? देखिए, चेहरे का मतलब ये है कि सोच तो रखी गई है महापौर की, और हमारी नक्की सोच है कि अब की बार महानगर पालिका में अपनी सीट बैठेगी और महापौर भी बनेंगे। अच्छा, क्योंकि विकास ही ऐसा है, बहुजन विकास अघाड़ी का आखिरी विकास है जो सोच के दिमाग से बाहर रहता है विकास, क्योंकि हमारे अप्पा साहब जो हैं 30 सालों से महानगर पालिका में महापौर से लेकर विधानसभा सीट तक, लोकसभा सीट तक बैठाए हुए हैं, तो विकास पे पब्लिक ही चुन के देती है। तो वही भिवंडी में वो लोग को ज़्यादा दूर है नहीं, 20 मिनट का रास्ता यहाँ से। अच्छा, तो वही विकास भिवंडी में रिटर्न दिखेगा आपको, मतलब वसई टू भिवंडी बन के रहेगा। फहीम भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर इस बार भी जनता ने अगर पुरानों को, जैसे कि जो हमेशा से भिवंडी के अंदर चुनते आ रहे, जो 3 टर्म से 4 टर्म से जो चुनते हैं, तो अगर अभी इस बार भी अगर जनता ने उन्हीं का मन बना लिया, उन्हीं का रुझान ज़्यादा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जनता पहले जो मूर्ख बन चुकी वो बन चुकी, अब वो मूर्ख नहीं बनने वाली। अच्छा, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी की जो सत्ता आने वाली है महानगर पालिका में, और उनका विश्वास जो जनता का है मैं टूटने नहीं दूंगा, और जनता अब नहीं जिताएगी, बहुत हो गया नाटक, अब नहीं जिताएगी वो, चाहे कोई भी पार्टी के हो, जो काम किया होगा उनको जनता जरूर जिताएगी, और जो नहीं किया होगा उनको वो रास्ता दिखाएगी। अच्छा, महानगर पालिका से बाहर बैठाने की पूरी ताकत करेगी जनता, ये मुझे इतना भरोसा है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा, ये एक युवा नेता, एक युवा की सोच है जो कि सिर्फ विकास की तरफ देखती है, और भिवंडी के अंदर ऐसे ही जोश की ज़रूरत है आने वाले चुनाव में। अगर भिवंडी की जनता एकजुट होकर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दे तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में भिवंडी का जो नक्शा है वो कुछ और होगा, भिवंडी की जो सूरत है वो कुछ और होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।